हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी दिनों के बाद मैं बड़ी वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ और मैं आज बना रही हूँ मटन पुलाव। बहुत ही इजी वे में बनता है, चलिए इसे फटाफट से बनाते हैं। सबसे पहले हम एक कुकर लेंगे और उसमें सारे मटन को अच्छे से धोकर डाल देंगे। यहाँ मैंने 600 ग्राम मटन लिया है। इसमें एक मीडियम साइज़ के प्याज डालेंगे और दो तीन अपने हिसाब से आप मिर्ची डाल दें, और एक नींबू डालेंगे। नींबू का रस और नमक आप अपने हिसाब से डालेंगे। और यहाँ मैंने सरसों के तेल का यूज़ किया है, आप जिस ऑयल का यूज़ करते हैं आप वो डालिए। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़े से धनिया पत्ता डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसे ढककर विसल आने देंगे। दो तीन विसल आने के बाद खोलेंगे और इसे अच्छे से भूनकर चेक कर लेंगे कि आपका मटन गला है कि नहीं। मेरा यहाँ पर मटन गला ही नहीं था और मैंने खोल दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे कुछ देर और पकने दूँगी। दो तीन विसल हो जाएंगे फिर उसके बाद मैं इसे साइड में रख दूँगी। देखिए बहुत प्यारा गल गया है मटन। अब हम पुलाव बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने थोड़े से घी और थोड़े से तेल का यूज़ किया है। आप चाहे तो ऑयल में ही पका सकते हैं, लौंग इलायची डाल करके। और मैंने यहाँ पर ज़ीरा और ब्लैक पेपर और दालचीनी इसे डाल करके अच्छे से कूट करके मैंने डाला है, ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इससे। और यहाँ पर मैंने 2 प्याज मीडियम साइज़ के कट करके डाला है और थोड़े से हरी मिर्ची। आप चाहे तो कट ना करें, आप ऐसे नॉर्मली डाल सकते हैं, मैंने यहाँ कट कर दिया है। और प्रेशर कुकर में जितने भी मटन थे मैंने डायरेक्टली हांडी में डाल दिया और डालकर इसे अच्छे से भून लेंगे। और इसमें 1 टेबल स्पून और अदरक लहसुन का पेस्ट डलेगा, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसे डालकर अच्छे से भून लें जब तक तेल बाहर न आए। यहाँ पर मैंने हंग कट का यूज़ किया है, 1 टेबल स्पून ही काफ़ी था। आपके पास नॉर्मल कट है वो भी डाल सकते हैं। और पानी आप अपने हिसाब से लें। मैंने आधा किलो ही चावल लिया था, बासमती चावल, इसे 1 घंटे के लिए मैंने फुला दिया था। तो आप पानी ऐसा डालें कि ताकि चावल अच्छे से पक जाए, ना गले ना कड़क रहे। और इसमें थोड़े से जब पानी में ज़्यादा बॉयल आने लगे तभी आप चावल डालें। और इसमें मैंने थोड़े से और धनिया पत्ता डाला है जिससे और भी अच्छा फ्लेवर आए। नमक वगैरह आप अपना टेस्ट कर लेना, क्योंकि कभी कभी नमक कम रह जाता है, इस वजह से मैं बोल रही हूँ। देखिए इतना खुशबू आ रहा था ना, क्या बताऊँ, बहुत प्यारा बना है, बहुत ही टेस्टी बना है, प्यारा तो देखने में लग रहा है। चलिए अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।